नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस तो वैसे आए हुए थे, उसमें से कुछ मैंने जो क्लब किए हैं और क्लब करके मैं देने जा रहा हूं आज के उन क्वेश्चंस के आंसर। एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि ISP हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डिटेल्स हैं, मतलब किस हिसाब से क्या करना चाहिए। सो देखो दोस्तों, वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियोस चढ़ा रखे हैं कि किस तरह से ISP आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी पूछा है तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ISP स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप अगर छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के ज़्यादा हम पूरा जो पैसा है हमारा उसको ब्लॉक करें, उससे अच्छा है कि हम स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारे कस्टमर बेस जैसा जैसा बढ़े वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चलें। सो इसको ISP को स्टार्ट करने के लिए कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं लगता है और कोई छोटा अमाउंट भी नहीं लगता है। जी हाँ, आपके पास मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपये का अगर बजट है तो आप अपना ISP स्टार्ट कर सकते हैं। तो ISP स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी अच्छी कंपनी से आपको बैंडविड्थ लेनी है और उसको अपने जो सिस्टम्स है, अपने जो राउटर्स हैं मैक्रोटेक के, उसके साथ में आपको करना है कॉन्फ़िगर, और वहां से जो है आप RF या फिर आपका जो भी फाइबर केबल है उसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को जाके वो पूरा का पूरा जो कनेक्टिविटी है वो टर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको कस्टमर बेस उतना होना चाहिए कि जितनी आप बैंडविड्थ ले रहे हो डेफिनेटली उसका अमाउंट तो आपको पे करना ही करना है। आपके कस्टमर 10 हों 20 हों, उससे सर्विस प्रोवाइडर को कोई लेना देना नहीं होता। तो रिकरिंग कॉस्ट के नाम पे सिर्फ आपको एक अच्छा कस्टमर बेस बनाना है ताकि आपका जो इनकम है उसी में से जो है आपकी रिकरिंग कॉस्ट है बैंडविड्थ की वो आप दे पाएँ। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको लिए ISP स्टार्ट करने के लिए। सो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि VLAN जो है वो क्या होता है। सो VLAN बेसिकली जैसा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो वैसे VLAN जो है एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि मैनेजेबल जितने स्विचेस हैं उनके अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करके हम क्या करते हैं कि अब हमारे हिसाब से जो भी ग्रुपिंग करनी है तो हम वो कर सकते हैं। मल्टीपल IPs को अगर हमें एक ही स्विच के थ्रू हैंडल करने हैं तो हम उसके लिए VLAN का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक को डाइवर्शन के लिए हम VLAN का यूज़ जो है वो करते हैं। और VLAN अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे बताऊं तो VLAN जो है बेसिकली स्विच को जो OSI मॉड्यूल है उसकी जो सेकेंड लेयर है जिसको कहते हैं हम डेटा लिंक लेयर। अगर आपने नहीं देखा है मेरा OSI मॉडल तो मैंने अभी जो हमारा नेटवर्किंग का पूरा कोर्स चल रहा है उसके अंदर अभी फ्राइडे को ही OSI मॉडल के बारे में मैंने जितना इजी वे में मैं आपको बता सकूं उतना मैंने कोशिश करी है। तो आप जाके उन 7 लेयर्स के बारे में ज़रूर समझ लें। तो वहाँ पे जो आपको सेकेंड लेयर, फिजिकल लेयर के बाद जो सेकेंड लेयर मिलेगी डेटा लिंक लेयर, तो वो बेसिकली ये VLAN जो है उस लेयर से जो है अलग अलग पोर्ट्स को, एक ही स्विच के अगर 24 पोर्ट्स हैं तो उनको अलग अलग जितना भी हम चाहें 4 के ग्रुप में कर लें, 5 के ग्रुप में, दैट इज़ डिपेंड ऑन अस कि हम कितने पोर्ट्स को एक ग्रुप करना चाहते हैं। तो VLAN को हम बहुत ही जल्दी प्रैक्टिकल करके भी, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली करने के लिए पूरी लाइनअप कर रहा हूँ तो बहुत ही जल्दी आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और प्रैक्टिकल करके जिसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जैसे कि होस्टिंग सर्विस वगैरह के लिए भी आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें रिक्वेस्ट आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का भी प्रिपरेशन मेरे पास चल रहा है ताकि मैं आपको एक प्रैक्टिकली डेमो करके बता पाऊँ कि किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप उसको थ्योरेटिकली बताने के लिए मैं अभी बता दूँ, लेकिन आपको समझ में थ्योरेटिकल तो आप कहीं से भी इंटरनेट से पढ़ सकते हो या फिर कोई भी बुक लेके उधर से पढ़ सकते हो किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो मैं आपको करना चाहता हूँ, जिसके लिए बहुत ही जल्दी आई बिलीव कि मैं आपको ये सारी वीडियोस अपलोड करके देने वाला हूँ। इसके बाद है मैक्रोटेक के जो राउटर्स पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे होती है। सो इसके लिए जो क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है, देखिए इसमें भी कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस
मैनेज होता है, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। उसमें जो भी पॉलिसीज़ आप लगाना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आपको बैंडविथ मैनेजमेंट करना है या फिर उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस, जिस हिसाब से आपकी पॉलिसी है वो आप जैसा भी लगाना चाहते हैं, जैसी भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो बहुत ही आराम इजी वे में कर सकते हैं। तो रही बात इसकी पॉलिसी मैनेजमेंट प्रैक्टिकली दिखाने की, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको ये माइक्रोटेक राउटर की जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता पाऊँ। और बेसिकली ये राउटर्स जो हैं वो ISP जितने भी हैं उनके पास ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो इससे क्या है कि काफ़ी जो जितने भी उनके कस्टमर क्लाइंट्स हैं उनको मैनेज करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। प्लस अब अगला एक क्वेश्चन है, एक मैंने वीडियो चढ़ाया था, अगला क्वेश्चन बोलने से पहले वो क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड, एक मैंने वीडियो जो अपलोड किया था बहुत पहले जिसमें मैंने दो लैपटॉप को एक स्विच के थ्रू स्टैटिक IP के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट करवाते हैं वो मैंने बताया था। तो अभी मेरे पास जो क्वेश्चन आया है कि वो जो मुझे IPs मिले हैं वो मुझे कहाँ से मिले हैं, तो आपके लिए बता दूं कि IP की पूरी एक सीरीज होती हैं, उनके पूरा डिटेल होती है। तो आई बिलीव कि अभी नेक्स्ट वीक में मेरा जो हमारा जो एक नेटवर्किंग का जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर पूरा IP का जो वीडियो है वो आई थिंक वेनेसडे या फिर आपको फ्राइडे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कंप्लीट गाइड अबाउट IP कि किस तरह से होता है, क्या होता है वो सारी। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो अब बात करते हैं यस की वाईफाई सॉफ्ट का जो यूनी बॉक्स है उसके अंदर कैप्टिव पोर्टल जो है वो डिज़ाइन होता है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल, जो वाईफाई सॉफ्ट का गेटवे है, कंट्रोलर है यूनी बॉक्स, उसके अंदर कैप्टिव पोर्टल बहुत ही आसानी से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसा भी आपको चाहिए वैसा वो आपको सेटअप करके देते हैं। बेसिकली अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो हमारे पास तीन या सॉरी नॉट थ्री चार तरह के हम इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। नंबर एक, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर ERP सॉफ्टवेयर उसके थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। और अगर आप कोई उसमें प्रीपेड कोड देके अगर करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। अगर आप मोबाइल नंबर डाल के उस पर OTP करके और आप उसको ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। और सोशल मीडिया जितने भी हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, Google+, अगर इन सोशल मीडिया की प्रोफाइल से आप ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं, इवन वो भी अभी इनके जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो उसमें बिल्कुल आ चुका है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो वाईफाई सॉफ्ट कंपनी के काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, आई बिलीव बहुत जल्दी आ जाएंगी मेरे पास। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके और किस तरह से ऑथेंटिकेशंस होते हैं, क्या क्या बैकएंड में उसको मैनेज करने के लिए आपको देखना होता है, किस तरह से वो कॉन्फ़िगर होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही जल्द मैं आपको देने वाला हूँ। तो लाइन में तो दोस्तों बहुत हैं, आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं आपका इतने, जितनी मैं चाहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछें मेरे से मैं उन क्वेश्चंस का आपको एक प्रैक्टिकल करके बताऊं, तो मुझे उन चीज़ों को लाइनअप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यस, लेकिन डेफिनेटली आपके हर किसी के हर क्वेश्चन का जवाब प्रैक्टिकली मैं करके ही देने वाला हूं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस जो चैनल का मेन जो मोटो है वो हम कुछ ही और एक डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ताकि मैं आपको एक बहुत अच्छी नॉट ओनली ओवर दी वीडियो, वाकई अगर आप प्रैक्टिकली कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी टेक्निकल टर्म्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेने वाला हूँ, एक मतलब पूरा शेड्यूलिंग करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं और हम आपका सिस्टम को ऑनलाइन लेके उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे रेक्टिफिकेशन करना है वो सारी चीज़ों पे भी हम
हम वर्कआउट चल रहा है, आई बिलीव कि जल्दी से जल्दी मैं ये सारी चीज़ कर पाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे मेरी एक जो टेक्निकल टीम है वो चाहिए, तो उसके लिए अभी मैं पूरा वर्कआउट कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों का इसी तरह प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत ही जल्दी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर लेंगे इस चैनल के माध्यम से, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके किसी की प्रैक्टिकली, जो उनको इश्यूज़ आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कराने में, तो वो चीज़ पे अभी वर्कआउट चालू है। सो अगर आप लोगों में से कोई टेक्निकल है और मेरे उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए, जो कि हम टेक्निक दूसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सपोर्ट देने की मैं बात करूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट में या फिर ईमेल करके मुझे अपने डिटेल बता दें, ताकि एक सेपरेट पूरा जो ग्रुप बना के हम हर जिसकी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वहाँ तक पहुँच सके। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट संडे के Q&A सेशन के अंदर आपके वो क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।